नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश के सिनेमाघरों में फिल्म हम दो हमारे 12 रिलीज होने वाली है। इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने घंटाघर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज ने यह भी चेतावनी दी कि यदि फिल्म बैन नहीं होती है तो सिनेमाघरों के बाहर समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस फिल्म के रिलीज होने से देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर पड़ेगा। यह फिल्म 7 जून से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिससे मुस्लिम समाज आक्रोशित है। पवित्र कुरान आयातों का गलत मतलब निकालकर मुस्लिम समाज के दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। मुस्लिम महिलाओं और हमारी मां बहनों के बारे में कुरान का हवाला देकर अमर्यादित टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आज हम लोग घंटाघर कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देने आए थे, ये हम दो और हमारे 12 एक मूवी आ रही है। बॉलीवुड का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि दरअसल बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाती है, लेकिन उसका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब वो एक समुदाय और एक धर्म के विशेष सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। हमारी जो कुरानों को आयत में जो मायने हैं, वो दरअसल जो उसमें फिल्म में बताया जा रहा है वो गलत है। तो हम लोग आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आके आज आवेदन दिए, और हम ये चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड से ये फिल्म रिलीज़ होने से रोकी जाए। किस तरह की फिल्म है ये? फिल्म कुछ इस तरह से है कि एक मुस्लिम समाज को लेके टारगेट किया जा रहा है। जो हमारी कुरान में जो आयतें हैं उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो हम पर मुस्लिम समाज के लोगों को एक बहुत ठेस पहुँची है, और हमारी जो महिलाओं को उनने गलत तरीके से बताया कि एक खेती करने की दरअसल मशीन है। तो दरअसल इस्लाम धर्म ही ऐसा है जो लेडीज़ों को बराबरी का महात्म्य देता है। डायरेक्टर कौन है इसका? ये सुभाष करके हैं, सुभाष चंद्रा, मोहम्मद आरिफ। देखिए, अभी सुभाष चंद्रा के द्वारा एक फिल्म रिलीज़ की जा रही है, हम दो हमारे 12। इसका पूरा टारगेट एक विशेष समाज को लेके है, जिसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड से ये पूछना चाहता हूँ कि हम दो हमारे 12 तो ठीक है, लेकिन अगर आप देश में बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखोगे, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के कितने भाई बहन थे, और नरेंद्र मोदी जी हमारे कितने नंबर के, नरेंद्र मोदी 5वें नंबर के अपने बेटे थे, 1 2 3 4 5। राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, वो कौन से नंबर के थे, राजनाथ सिंह जी 6वें नंबर के थे। ऐसे करके देश में बड़े बड़े क्रांतिकारी भी पैदा हुए कि जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़े योगदान दे के, अपनी कुर्बानी दे के सहयोग किया। आज वो क्रांतिकारी के रूप में है, लेकिन वो अपने परिवार के कौन से नंबर के थे? जब आप देखोगे तो मेरे ख्याल से, मैंने जो रिसर्च किया हूँ, 80% क्रांतिकारी और देश के उद्योगपति ऐसे होंगे पुराने ज़माने के, कि जिन्होंने, जिनके माता पिता की वो 6वीं 7वीं या 5वीं या 3री औलाद थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सेंसर बोर्ड से कि अगर आप ऐसी फिल्म की अनुमति दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस रुख में भी जाइए कि जबकि देश में 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें मुस्लिम के भी रहते थे, हमारे हिंदू भाइयों के भी रहते थे। आज हमने SDM महोदय को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया, और हमारा अनुरोध है कि सेंसर बोर्ड में जिस तरीके के एक विशेष समाज को बदनाम करने की, घृणा फैलाने की जो कार्यक्रम सेंसर बोर्ड लगातार कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है जिससे कि उनकी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाए। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई जो विशेषता समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई हैं। तो हमने आज ज्ञापन दिया कि सेंसर बोर्ड जल्द से जल्द इस फिल्म में आपत्ति लेकर एक विशेष समाज को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसे बैन लगाया जाए और ऐसी पिक्चर रिलीज़ करने से रोका जाए। अगर ऐसी पिक्चर रिलीज़ होती हैं तो हमारा एक बहुत बड़े पैमाने में विरोध प्रदर्शन होगा। इमरान मंसूरी। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।